भी एम्ब्रॉयडरी की शिल्पकारी और ब्लैक पॉटरी, काफी हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड काम। ओके तो मैम मुझे बता दीजिए कि 1,500 ज्यादा नहीं है, सही है, अच्छा लग रहा है, वेरी क्यूट। तमिलनाडु से, वेरी नाइस प्लेस, क्रास क्राफ्ट हैंडलूम। ओके तो आप इसे तो प्राइसिंग क्या है सबकी? 399 में 3 पीस आप कोई भी परचेज कर सकते हो। बंगाल के स्टॉल है, देख सकते हो आप, काफी का वाइड रेंज है इनके पास और काफी सारे स्टॉल है यहाँ। शॉप है क्या घर पे बनाते हो? तीर बाण देने को मिल जाते हैं आपको यहाँ पे, आर्चरी का पूरा सिस्टम। हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू आजत यूट्यूब चैनल, और आज हम आपको लेकर आए हैं जयपुर के क्राफ्ट मेले में। आपको यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड घर के सारे सामान, बैग हो गए या कोई छोटा मोटा सामान हो गया, कुछ खाने पीने की चीज़ें हो गई या डेकोरेटिव आइटम हो गए, सभी आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे आपको अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए हैं, मतलब जिन्होंने यहाँ पे स्टॉल लगाई है, अपने क्राफ्ट मेले लगाए हैं, तो उनसे मिलाएंगे आपको, और उनके जो बनाए हुए आइटम हैं जो बहुत ही मतलब यूनिक है, और आपको पूरे मतलब देश की जो भी वो है ना विविधता है एक ही जगह पर देखने को मिल जाती है यहाँ पे राजस्थान के क्राफ्ट मेले में। और यहाँ पे 3 एंट्री गेट लेवल बनाए गए हैं, और यहाँ पे विदाउट मास्क एंट्री नहीं है। मास्क हमने इसलिए हटा रखा है कि आपके आसपास कोई हमारे अभी इतनी गैदरिंग खट नहीं हुई है, और हर जगह प्रिकॉशंस फॉलो की गई हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए। यहाँ पे मास्क पहनने का बोर्ड लगा रखा है, हाथ धोइए, सैनिटाइजर्स लगे हुए हैं जगह जगह पे। तो हम भी यहाँ पे कुछ परचेजिंग करेंगे, दिखाएंगे आपको कैसी जगह है ये और क्या क्या डिफरेंट और मतलब यूनिक आइटम हमें मिल जाते हैं, और खाने पीने के फूड स्टॉल्स भी मिल जाते हैं यहाँ पे, तो खाने पीने का भी चाय का मौका मिलना जरूर रखेंगे यहाँ पे हम। तो ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग को स्किप मत करना, पूरे एंड तक देखना, और वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना दोस्तों। और 21 मार्च तक ये मेला लगने वाला है, तो 21 मार्च तक जयपुर के आसपास रहने वाले लोग अगर आना चाहते हैं तो 21 मार्च तक ये आ सकते हैं, यहाँ पे मेला लगा रहेगा। और टाइमिंग जो है इसकी सुबह 11 से रात को 9 बजे तक टाइमिंग रहती है यहाँ पे, और रामलीला मैदान जयपुर में ये हो रहा है, जस्ट न्यू गेट के बिल्कुल पास में ये रामलीला मैदान गोटर सिनेमा के, तो आप जरूर आके विजिट कर सकते हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको पूरा। तो क्या देख पा रहे हो यहाँ पे भी एम्ब्रॉयडरी की शिल्पकारी और ब्लैक पॉटरी, काफ़ी हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड काम यहाँ पे किए जाते हैं, और यहाँ पे इनका बोर्ड लग रहा है जाती है। और आपको अभी हम दिखा देते हैं कि जिन्होंने यहाँ पे स्टॉल्स लगाई है उनकी अभी एंट्री हो रही है, और 11 बजने वाले हैं, और हम बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं, मतलब शुरू होने वाला है ये फेस्टिवल, यहाँ पे एंट्री हो रही है, तो सभी आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, देश के अलग राज्य से आए हुए लोग हैं, उन सब यहाँ पर एंट्री हो रही है, वो स्टॉल लगाएंगे, और देखते हैं अगर मौका मिले तो हम अभी हत्या बंद कर सकते, बने रहिए। मैंने स्टॉल लगा रखी है, अच्छा राजीव का की तरफ से। तो आपको क्या मतलब कैसा प्रोत्साहन मिला यहाँ पे आने के लिए, कहाँ से आए हैं आप? पाली से आए हैं, पाली। अच्छा अच्छा, तो पाली से आए हैं, मतलब तो आपको वाला सिलेक्शन कैसे हुआ कि आपको यहाँ पे स्टॉल दी जाएगी, आपको क्या राजीव का? अच्छा हाँ, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है आपका, तो आप क्या बनाते हैं स्पेशली, क्या है आपको? छाछ और लस्सी। मसाला तो काफ़ी जगह आपको स्टॉल देखने को मिल जाती है फूड की, राजस्थान भेलपूरी वगैरह हो गई, सैंडविच हो गई, राजस्थानी छाछ लस्सी हो गई, तो काफ़ी तरह की क्या आपको स्टॉल देखने को मिल जाती है। तो आपको पूरा हम डिटेल दिखाना काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा वीडियो में, तो आप आपको जरूर अगर एड ले जाएगा देखते देखते क्या देख सकते हो यहाँ से कि साउथ इंडिया में देखने को मिल जाएगा रायला सीमा रायचूलू, यहाँ पे डोसा वगैरह बनाते हैं, और अभी इसकी प्रिपरेशन हो रही है किचन में, अभी पूरा हो रहा है पूरा। और यहाँ देखते हैं जागृति वेस्ट सिक्किम से आया है ब्लॉक अंदर SRLM की तरफ से, तो उनको यहाँ पे स्टॉल मिली है, तो ये मोमोज वगैरह की स्टॉल देने को मिल जाती है आपको यहाँ पे, फिर आपको वेस्ट बंगाल की भी स्टॉल देने को मिल जाएगी यहाँ पे, आपको मीठी स्वीट डिश भी देने को मिल जाती है खाने पीने की, फिर काफ़ी सारी स्टॉल्स हैं यहाँ पे,
तो मेरे साथ मेरा फ्रेंड अनुराग है जिसने मुझे बताया यहाँ के बारे में, और चीपेस्ट बजट में है यहाँ पे, और आप यहाँ पे जरूर आकर विजिट कर सकते हो। कोई विजिटिंग के कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विजिटिंग कर सकते हो यहाँ पे। तो मैं दिखाता हूँ क्या प्रोडक्ट है इनके पास हैंडीक्राफ्ट में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे तिरुपति बालाजी की भी बहुत अच्छी मूर्ति बना रहे, तो उनके बारे में कुछ बता देता हूँ आपको। मैं विश्व प्रसिद्ध सर, ये कितने टाइम से कर रहे हैं आप ये वर्क? आंध्र प्रदेश से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, हमने जयपुर से ही रिलेटेड है। हाँ समझ में नहीं आता, तो लैंग्वेज थोड़ा बैरियर बन रहा है। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इतना ही हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बाकी आप देख सकते हो उनकी आर्ट अगर आपको अच्छी लग रही तो आप जरूर आके विजिट कर सकते हो। और ये तो घरों के बाहर आप ये हैंडीक्राफ्ट के बिल्कुल चैन लुक में, एक और लुक में देखने को मिल जाता है। ये लालटेन है ना, मिट्टी की लालटेन है, देखो ये लकड़ी की लालटेन है, कितनी लुक में अच्छी लग रही है। ये मिट्टी की है, भी मिट्टी की है ना, तो देख सकते हो। और यहाँ पे काफ़ी सारी मूर्तियाँ देख सकते हो आप, सम्मू का नाम चांद, ये रामनगर से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हाँ रामगढ़ से। अच्छा तो आप क्या मिट्टी में बनाते हैं, लकड़ी वगैरह में, वुडन में भी करते हैं? चिकनी मिट्टी का क्या कहते हैं इस मिट्टी को? टेराकोटा। तो कितने साल से कर रहे हो भैया आप ये काम? बचपन से, आने वाली पीढ़ियों से मतलब चलता आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो काफ़ी सुंदर बना रखी हैं जैसे देख सकते हो, और आपको यहाँ पे परचेज करना है तो आप जरूर आके विजिट कर सकते हो। और पेटीएम वगैरह सब एक्सपेक्ट है यहाँ पे। ये सब हैंडीक्राफ्ट का 20 रुपए का ये है, और ये फिश वाला सब 20-20 रुपए में, और ये कड़े 150 रुपए के। तो काफ़ी कुछ है इनके पास, और वेस्ट बंगाल से उन्होंने स्टॉल लगाई है यहाँ पे, देख सकते हो पश्चिम बंगाल से है। तो मैम ये क्या क्या मटेरियल होता है? ब्रास, प्योर ब्रास। तो हाउ मच अमाउंट ऑफ दिस? दुर्गा माता जी का। एंड ये स्मॉल वन 200 रुपए के। तो काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई गई आर्ट है ये, और यहाँ पे क्या देने को मिल जाता है? 200 रुपए का। ओके वेरी नाइस कलेक्शन। जी गवर्नमेंट कुछ आपको उस पर प्रोत्साहन दे रही है? अच्छा टिकट आपको आने जाने का किया मैं। ओके और यहाँ पे स्टॉल लगाने के कुछ पैसे लिए आपसे? फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे टेडी बियर्स दे सकते हो। त्रिपुरा से। ओके ग्रेट, आर यू कंफर्टेबल विद हिंदी? हिंदी बोल सकते हैं आप? कुछ कुछ होता है। ओके तो मैम मुझे बता दीजिए कि टेडी बियर्स वगैरह का क्या प्राइसिंग में है? जैसे मैं कलेक्शन देख रहा हूँ विभिन्न रेट है, विभिन्न रेट, विभिन्न रेट है, विभिन्न साइज है। ये रेड वन क्या प्राइस है? हाँ ये रेड वन 1500। तो ये त्रिपुरा से देख सकते हो आप, कितना बड़ा टेडी बियर है। वाह तो मैम क्या प्राइसिंग में है ये? 1500। ज़्यादा नहीं है, सही है, अच्छा लग रहा है, वेरी क्यूट। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास है क्या चरणजीत सिंह, कोई पटियाला से उन्होंने स्टॉल लगाई है यहाँ पे, और आपको चारों की काफ़ी रेंज में मिल जाती है यहाँ पे। किसका चार है सर? मिक्स अचार है, और बिल्कुल प्योर और अच्छा अचार है, बिल्कुल फेमस पटियाला का। कितने पैसे की? 150 की। 150 रुपये की है, और आप यहाँ पे देखते हो काफ़ी चार है, मिक्स अचार हो गया, कैरी का चार है, और ये सर निचोड़े का, नींबू का चार, नींबू का जी, तो नींबू का चार देख सकते हो कि अच्छा लग रहा है। और ये अदरक का चार, वाओ। और ये लहसुन का, और ये हो गया ओले का, ओले का, अरे और टैटी का चार, टैटी चार बहुत फेमस है, और गाजर का हो गया। तो सर क्या प्राइस में है ये चार? 150 रुपए किलो है। 150 रुपए किलो है सारे? नहीं 400 रुपए किलो है, 200 रुपए किलो है। ओके तमिलनाडु से, वेरी नाइस प्लेस। तो ये कुर्तीज़ है मैम, कुछ पर्टिकुलर नेम होता है इन कुर्तीज़ का, कुछ आर्ट का या प्रिंटिंग का? एक
क्रास क्राफ्ट ओके नाइस फुल हैंडलूम ओके तो अब इसकी तो प्राइसिंग क्या है सबके थ्री पीस तीन ऑफर तो काफ़ी अलग अलग यहाँ पे आपको बिहार से भी देने को मिल जाते हैं और यहाँ पे मध्य प्रदेश भी है और काफ़ी यहाँ पे बैग वगैरह भी देखने मिल जाते हैं हैंडलूम के आपको मैम केरला से ओके नो अंडरस्टैंडिंग ओके ग्रेट सो हाउ मच ऑफ दिस 250 रुपीस ओके ओके एंड ये स्मॉल ये दिस इज 400 एंड दिस वन 150 ओके स्टिकी नॉट डोसा रोटी ओके सब्जी डोसा रोटी सब्जी इजीली मल्टीपर्पस ओके ग्रेट यार लैंग्वेज बैरियर बन रहा है भाई शरबत की जो स्टाल है इसमें यहाँ पे चमचम भी चूड़ नहीं रह सकते समय हमारे को राजस्थान से यार ये पश्चिम बंगाल की स्टॉल है देख सकते हो आप काफ़ी का वाइड रेंज है इनके पास और काफ़ी सारे स्टॉल हैं यार एक दिन में कवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा तो अगर आपको विजिट करना है जरूर आप विजिट कर सकते हो दिस वन इज फ्रॉम नागालैंड ग्रेट शॉप है क्या अपने घर पे बनाते हो तो आप जुड़े हुए हो आजीविका से इससे पहली बार पहला स्टॉल लगाया आपने या पहले भी कहीं गए हो आप यहाँ से 250 रुपये से तो ये किस प्राइसिंग में कुछ बताओगे डिटेल खड़े हो गए एक बार 250 रुपये सभी 250 रुपये के या कुछ अलग भी है स्पेशल भी 300 की रेंज का है ओके 250 रेंज का है अच्छा और थोड़ा अंदर चलते हैं तो ये जैसे कि इस तरीके की ये 220 का है 220 का है ओके ये 300 रुपये का है तो ये प्रॉपर क्या है क्या कहते हैं इस मटेरियल को चमड़ी का लेदर लुक में होता है ये लेदर का है सारे लेदर है प्योर नहीं पूरा नहीं है अच्छा 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 थोड़े से मतलब एम्ब्रॉयडरी वगैरह सही है भैया बहुत बढ़िया लगा तो जयपुर की स्टॉल है यहाँ पे आप आ सकते हो बाबा रामदेव नेम से 137 ये एक और स्टॉल देख रहे हो त्रिपुरा से है अभी और काफ़ी के प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं आपको क्या बनाते हैं आप हैंडीक्राफ्ट में क्या क्या मिल जाता है क्या प्राइस है इसकी 300 रुपये का ये अच्छा और क्या है आपके पास मतलब जो स्पेशल बीकानेर की जो खासियत हो अच्छा क्या कहते हैं इस बैग को कोई आर्ट सब ये हाथ से बनाई हुई है हैंडीक्राफ्टेड हैंडीक्राफ्ट आइटम है ये तो क्या प्राइस में है ये 500 रुपये का है प्राइस अच्छी है ज़्यादा कोई बुरी नहीं है आप आके विजिट कर सकते हो आपका गुड नेम क्या है शुभ नाम क्या है आपका रानी देवी तो आप ये अकेले करवाते हो या आपके एक समूह बना हुआ है महिलाओं का समूह बनाया है करणी माता करणी माता जी 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 अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे आके कितनी बार आ चुके हो आप ऐसे कभी पहले बार है आपका अच्छा पहले तो आप इनके आर्ट से तो कितनी अच्छी अच्छी आर्ट बना रखी है इन्होंने काफ़ी बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर बना रखी तो आप जरूर आके विजिट कर सकते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोरोना से बचने के लिए काफ़ी अच्छे मास्क बनाए गए हैं हैंडलूम मास्क हैं ये और ज़्यादा प्राइस भी नहीं है 20-25 रुपये की रेंज में आपको देने को मिल जाएंगे यहाँ पे और ये देख लो वैष्णो माँ स्वयं सहायता समूह के द्वारा है 22 नंबर की शॉप है तो मैम मुझे बताइए कि आप जयपुर से हैं यहाँ पे और क्या क्या बनाते हैं अपन हैंडीक्राफ्ट में डायरी ले लो अच्छा अच्छा तोहर अच्छा सभी सेल करते हो ऑनलाइन भी देते हैं अच्छा कोई भी दुकान लगाते हैं दुर्लभ जी दुकान थी ये दुर्लभ जी तो कितने समूह में आप संग महिला जुड़ी हुई हैं या पुरुष जुड़े हुए हैं इसमें इसमें महिलाएं जुड़ी 6 समूह हैं तो आपको सरकार ने प्रोत्साहित करके यहाँ पे स्टॉल दी है अच्छा इसके अलावा भी आप कहीं पे पहले कर चुके हो क्या स्टॉल वगैरह लगाने पहला एक्सपीरियंस है आपका
और आपका रिस्पांस अच्छा लग रहा है पब्लिक का? हाँ, अच्छा लग रहा है। और काफ़ी अच्छी रेंज है, जो आज मैं कहूँगा जरूर आके विजिट कर लो, खरीद लो मैम से। और काफ़ी अच्छी खासी इनके पास हैंडीक्राफ्ट में अच्छे अच्छे मास्क भी हैं, बेडशीट है, प्लाजो वगैरह सब कुछ की रेंज देने को मिल जाती है, तो आके विजिट कर लो। ठीक है मैम, थैंक यू। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने अच्छे हैंडीक्राफ्ट के बैग देने को मिल जाते हैं आपको, और सारे कैन वर्क से किए गए हैं। तो मैम की क्या प्राइसिंग में है आपके पास ये? अलग अलग। तो आपके पश्चिम बंगाल के साथ फेमस है ये कैन, कैन का जो वर्क किया गया, तो काफ़ी वेराइटियाँ हैं यार, देख लो आके। और इनके स्टॉल है 28 नंबर की, जरूर आके विजिट कर सकते हो। यहाँ पे ये नुकीले नुकीले क्या है, तीर बाण देने को मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे आर्चरी का पूरा सिस्टम है। तो ये है बांसवाड़ा शिव शंकर राजस्थान की शॉप, सतवा। दोस्तों बम्बू यूज़ करते हो, सिस्टम का बढ़िया तरीके से फिनिशिंग से बनाया हुआ है ये याने। और आप इस तरीके से अपने धनुष को निकाल हुआ, कितना नुकीला धनुष है, कैसे करके टेंसर लड़ा गए इसकी आराम से। और 21 मार्च तक ये मेला लगने वाला है, तो 21 मार्च तक जयपुर के आसपास रहने वाले लोग अगर आना चाहते हैं तो 21 मार्च तक ये आ सकते हैं, यहाँ पे मेला लगा रहेगा। और टाइमिंग जो है इसकी सुबह 11 से रात को 9 बजे तक टाइमिंग रहती है यहाँ पे। और रामलीला मैदान जयपुर में ये हो रहा है, जस्ट न्यू गेट के बिल्कुल पास में ये रामलीला मैदान, बोटल सिनेमा के, तो आप जरूर आके विजिट कर सकते हैं।